स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। आज के शो में, साइंस थर्सडे में, हम बात करेंगे BLDC के बारे में। आपने तो देखा ही होगा अपने कंप्यूटर फैंस में। तो BLDC की ज़रूरत क्यों पड़ी, आपको ये समझना होगा। सबसे पहले आप ये समझिए, हम लोग के पास इंडक्शन मोटर ऑलरेडी है जो कि काफ़ी इफ़िशेंट है, लेकिन उसका पावर टू वेट रेशियो काफ़ी ख़राब है। मतलब आपको छोटे स्केल पे, मतलब आपको सिर्फ मान लीजिए कुछ वाट का पावर चाहिए, वो बहुत ख़राब है उस चीज़ के लिए। इसलिए हम लोग को कुछ ऐसा मोटर चाहिए था जो हाई पावर डेंसिटी दे सके, मतलब हॉर्स पावर वर्सेस लीटर, एज इन उसके वॉल्यूम का रेशियो अच्छा होना चाहिए। आप कई हज़ार का हॉर्स पावर का आप मोटर बना सकते हैं, लेकिन उसका साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा। तो साइज़ से पावर का रेशियो हमें अच्छा चाहिए था। दूसरा, DC मोटर ये जनरली कर लेते हैं, जो कि DC मोटर काफ़ी हाई पावर डेंसिटी होती है, लेकिन उसमें ब्रशेस यूज़ किए जाते हैं, जो कि आप ड्रिल में देख सकते हो। तो ब्रश का यूज़ करने का साइड इफेक्ट बहुत सारा है। पहला तो वो आवाज़ बहुत करता है, दूसरा वो घिसने वाला चीज़ है, मतलब आप कई साल तक नहीं चला सकते, घिस जाएगा। दूसरा, जहाँ पर ये ब्रशेस टच करते हैं आपके रोटर को, वो स्पार्क क्रिएट करता है। स्पार्क डेंजरस है, जैसे मान लीजिए आप पेट्रोल पंप में काम कर रहे हैं, आप इस तरह के मोटर नहीं रखना चाहेंगे, क्योंकि फ्यूम्स में आग पकड़ सकते हैं। आप LPG के पास काम कर रहे हो या हाइड्रोजन के पास काम कर रहे हो, ये फायर हैज़र्ड है। प्लस और उससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज़ पैदा होता है, जो कि आप एक सेंसर में डिटेक्ट कर सकते हैं, वो अगर आप किसी ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हैं, वो सारे माइक्स में बैकग्राउंड नॉइज़ की तरह आ जाएगा। इसलिए जनरली इसे नहीं प्रेफर कर सकते, ब्रश नहीं यूज़ करना चाहते हैं। तो ये सब हमारा नीड है, हमें चाहिए कोई जो हाई इफिशेंसी दे, जो कि यानी मतलब आप 100 वाट का आप उसको दे रहे हैं बिजली, तो कम से कम 100 वाट का रोटेशनल एनर्जी के पास निकाले। मतलब जनरली इंडक्शन मोटर 90 वाट निकालेगा, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ उससे भी बेटर मिले। तो हमें जो मिला है वो है BLDC। तो इसका पावर टू वेट रेशियो बहुत ही अच्छा है, इसके बारे में आपको कुछ सोचना नहीं है। आपको 1000 हॉर्स पावर का अगर मान लीजिए BLDC बनाना है, वो काफ़ी छोटा होगा कंपेयर टू 1000 हॉर्स पावर का एक इंडक्शन मोटर से। और ख़ास करके छोटे स्केल में, जैसे मान लीजिए आपको हार्ड ड्राइव में यूज़ करना है, या फ्लॉपी ड्राइव में यूज़ करना है, या कंप्यूटर के फैन में यूज़ करना है, इस दरमियान इससे बेटर पावर टू वेट रेशियो नहीं मिलेगा। मतलब एक छोटी सी मोटर काफ़ी अच्छे RPM और टॉर्क्स दोनों क्रिएट कर सकता है। ब्रशेस तो है ही नहीं इसमें, इसलिए इसे ब्रशलेस कहा जाता है। तो इसे EM नॉइज़ नहीं होता, स्पार्क्स नहीं होता, जो कि काफ़ी सेफ़ है। आप IT इन्वायरमेंट में नहीं चाहोगे कि स्पार्क क्रिएट हो और कोई चीज़ में आग लग जाए। दूसरा, इफ़िशेंसी, जो कि मैटर करता है, कि आप चाहोगे कि आप 100 वाट दे रहे हो तो कम से कम 90 वाट तो मिले। ये जनरली 98 वाट तक का रोटेशन दे सकता है आपको पर 100 वाट पे, तो ये काफ़ी इफ़िशेंट है। तो ये काम कैसे करता है, आपको ये समझना होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ही जनरली मोटर में रोटेट करते हैं, DC मोटर में खास करके। तो प्रॉब्लम उससे ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को करंट देने के लिए आप बाहर उसमें इलेक्ट्रिसिटी एक ब्रशेस के थ्रू डाल रहे हैं। तो यहाँ पे ये कर क्या रहे हैं कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को रोक दे रहे हैं और मैग्नेट को रोटेट कर रहे हैं। तो मैग्नेट कहाँ पे लगाया जाता है, उससे दो क्लासिफिकेशन आ गई है। एक क्लासिफिकेशन है, आप इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऊपर से ढक देते हो, जैसे इस टाइप के मोटर आप देख सकते हैं जो कि ड्रोन्स में यूज़ किए जाते हैं, उसे हम आउट रनर कहते हैं, जिसमें परमानेंट मैग्नेट बाहर लगा हुआ है। तो परमानेंट मैग्नेट बाहर लगाने से आपकी RPM कम हो जाएगी, लेकिन टॉर्क बढ़ जाएगा। फिर दूसरा एक टाइप है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर आप परमानेंट मैग्नेट को डाल देते हैं और परमानेंट मैग्नेट अंदर में रोटेट करता है, तो उसे हम लोग कहते हैं इन रनर। ये RPM ज़्यादा देता है लेकिन टॉर्क कम देता है, तो इसको जनरली गियरबॉक्स के साथ यूज़ किया जाता है। और आपको इसको समझने के लिए, परमानेंट मैग्नेट इसमें कंपलसरी है, ये इंडक्शन मोटर की तरह नहीं है जहाँ पे आपको परमानेंट मैग्नेट नहीं चाहिए। ये इसको परमानेंट मैग्नेट बहुत हाई क्वालिटी के चाहिए। और ये इसका अगर आप हमेशा आप देखेंगे, तीन तार होता है, ये तीन तार कंप्यूटर वाले से मत कन्फ्यूज़ किए, कंप्यूटर में एक चिप चूँकि उसके फ़ैन में ही बना हुआ है, इसलिए आप वो थ्री फेज में नहीं चलेगा। लेकिन इस तरह के मोटर जिसका आपको एक्सटर्नल ब्रशलेस मोटर स्पीड कंट्रोलर खरीदना पड़ेगा, वो जनरली तीन फेज का AC करंट दे रहा है इसमें। अगर आप इस पर ऑसिलोस्कोप लगाएंगे, आपको तीन फेज़ की इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, लेकिन ये नॉर्मल AC नहीं है, क्योंकि इसमें फीडबैक लूप होता है। उसको ड्राइव करने के लिए, मतलब कि मोटर को घुमाने के लिए, हर समय एक कंप्यूटर डिसीजन लेता रहता है कि कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेट को मैं चालू करूंगा, कौन से को बंद करूंगा। ये इसका सबसे बड़ा फजीहत वाला चीज़ है कि इसको पता होना चाहिए कि कहाँ पे मैग्नेट है, कहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अगर नहीं पता है तो ये नहीं चलेगा। आप चला सकते हो, आप गेस मार्केट ट्राई कर सकते हो, लेकिन वो उस पर रिलायबिलिटी नहीं है। अगर आपका मोटर बंद हुआ या आपने बंद किया, दोबारा चालू होगा कि नहीं, चालू होगा तो सही डायरेक्शन में घूमेगा या उल्टा घूमने लगेगा, आपको कोई गारंटी नहीं मिलने वाली। इसलिए फीडबैक का सिस्टम डालना पड़ता है। जनरली इसी तीनों तार से फीडबैक भी लिया जा सकता है, और कभी कभी अलग से फीडबैक लिया जाता है।
और हम लोग ये सब इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, खासकर ट्रांजिस्टर जिसे कहते हैं, वो काफ़ी डेवलप हो गई है। तो ये मोटर बहुत पुराना नहीं है, जैसे इंडक्शन मोटर 100 साल से पुरानी टेक्नोलॉजी है, ये बहुत ही नया टेक्नोलॉजी कंपेयर टू इंडक्शन मोटर। तो सब चीज़ बड़ा बढ़िया है, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट भी है। सबसे पहला साइड इफेक्ट, ये परमानेंट मैग्नेट यूज़ करता है। परमानेंट मैग्नेट आपको हाई क्वालिटी की चाहिए, नहीं तो मोटर का वज़न बहुत बड़ा हो जाएगा, बड़ा भी हो जाएगा और उसका वज़न भी बहुत बढ़ जाएगा। तो उस कारण से हम लोग रेयर अर्थ मैग्नेट यूज़ करेंगे, जो आप सोनी के हेडफोन में देखते हैं नियोडिमियम मैग्नेट्स, वो यूज़ करना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये कि वो अंधेर महंगा होता है, उसके बारे में तो सोचना ही नहीं, वो बहुत महंगी चीज़ है। दूसरा, अगर आप वो मैग्नेट डाल रहे हैं और उसको आप किसी इन्वायरमेंट यूज़ कर रहे हैं जहाँ वो काफ़ी गर्मी है, जैसे मान लीजिए आप गर्मी में अपना ड्रिल यूज़ कर रहे हैं और 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पे जाने लगा है आपका मैग्नेट्स, तो उसकी पावर घटते चले जाएगी। तो आप पहला एक दो दिन में कुछ नहीं होने वाला, लेकिन टाइम जैसे मान लीजिए 5 या 6 साल हो गया, आपका मैग्नेट ऑलमोस्ट डेड भी हो सकता है। मतलब पावर रहेगी, लेकिन आप जैसे मान लीजिए 10 हॉर्स पावर का मोटर बनाए थे, वो 5 हॉर्स पावर का हो जाएगा। परमानेंट मैग्नेट का दो साइड इफेक्ट है, पहला तो एक तो बहुत महंगा है, दूसरा है तो ये कि ज़्यादा चलता नहीं है। दूसरा, इसका इलेक्ट्रॉनिक्स सिंपल नहीं है। आप एक एसी मोटर को डायरेक्ट एसी से जोड़ के काम ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते। इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड एसी सर्किटरी चाहिए, प्लस फीडबैक लूप भी चाहिए। यहाँ मैं कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ, इससे आपको समझ आना चाहिए कि बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट है। हाँ, मास प्रोडक्शन हो गया, हम लोग तो पूरे कंप्यूटर स्मार्टफोन बना रहे हैं, तो ये बनाना इम्पॉसिबल नहीं, लेकिन एज ए लॉन्ग रनिंग थिंग जनरली आपके मोटर नहीं बिगड़ेंगे, यही पहले बिगड़ जाएंगे। दूसरा, अगर आप हाई हॉर्स पावर में चले जाते हैं, जैसे आपको ट्रेन में जो मोटर लगाए जाते हैं, जो हज़ार हॉर्स पावर के एसी मोटर लगाए जाते हैं, उस जगह पे इसे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मैग्नेट इतना भारी, एक्सपेंसिव और पावरफुल हो जाएगा कि वो पूरे पटरी में कोई भी चीज़ अगर गिरा हुआ है मेटल का चीज़, वो उसी को खींचता चला जाएगा। तो ये बहुत डेंजरस हो जाता है, प्लस आप गिरा नहीं सकते इस चीज़ को, क्योंकि गिराने पर इसकी मैग्नेटिक पावर लॉस कर जाएगी। और प्लस कुछ साल के बाद ये, चूँकि मोटर सब जो ट्रेन में लगाया जाता है वो काफ़ी गर्म चलते हैं, अपने आप परमानेंट मैग्नेट डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, फुल नहीं होगा। मतलब आप 1000 हॉर्स पावर का, तो शायद आप सिर्फ 100 हॉर्स पावर यूज़ करें 10 साल के बाद, लेकिन लूज़ तो करेंगे आप। तो ये सब इसके कॉन्स हैं। प्रोस तो आपने देख ही लिया, कॉन्स भी देख लिया, अब देखते हैं कि ये सब कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं सबसे पहला कहूँगा कि औजार में आजकल इसका काफ़ी प्रचलन बढ़ गया है, खास करके ड्रिल सब में, क्योंकि ड्रिल जो जैसे ही बैटरी पावर हो गई, जो कि लिथियम आयन आने के बाद आप एक्चुअली यूज़ कर पा रहे हो, पहले निकल कैडमियम ट्राई की गई थी, बट लेकिन प्रॉब्लम था कि बैटरी चार्ज करने में 6 घंटे लगती, यूज़ करने में 5-10 मिनट में बैटरी डिस्चार्ज हो जाता था। ब्रशलेस मोटर, ये लिथियम आयन आने के बाद एटलीस्ट आधा घंटा तक मोटर चल पाता है और चार्ज भी जल्दी हो जाता है, लेकिन उसमें और पावर निकालने के लिए, उससे और यूजेबिलिटी निकालने के लिए ब्रशलेस डीसी मोटर आजकल हाई एंड टूल्स में आने लगे हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि बैटरी अगर 30 मिनट चल रही थी, वही बैटरी ब्रशलेस मोटर के साथ 40 मिनट चलेगी, तो वो 10 मिनट एक्स्ट्रा आ जाना अब हर चार्ज डिस्चार्ज साइकिल में काफ़ी पैसा बचाता है, बिजली भी बचती है और आपका टूल भी ज़्यादा चलता है और टॉर्क भी ज़्यादा होता है। तो टूल्स में ये काफ़ी प्रचलन बढ़ रहा है। दूसरा, आईटी इंडस्ट्री में तो इसके बारे में, मतलब आईटी इंडस्ट्री तो चलेगी ही नहीं बिना इसके, क्योंकि हार्ड ड्राइव से लेके आपके कूलिंग फैन तक सब में यही यूज़ हो रहा है, तो आईटी इंडस्ट्री तो इसी पर डिपेंडेंट है। फिर लो पावर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, बेसिकली जैसे आपका ई बाइक हुआ, इलेक्ट्रिक साइकिल हुआ, वो सब BLDC वाले मोटर को डायरेक्टली हब में लगा सकते हैं। आपको जैसे मैंने बताया, ऐसा नहीं है कि इससे कार नहीं चला सकते, लेकिन कार बनाने वाले मैन्युफैक्चरर ने ट्राई किया, निसान ने भी ट्राई किया है और लोटस कार मैन्युफैक्चरर्स ने भी ट्राई किया, लेकिन वो मैग्नेट बहुत महंगा हो जाता है। तो आप सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए, लेकिन वो मैग्नेट का दाम एंड में आपको प्रॉब्लम बोलेगा, भैया नॉर्मल इंडक्शन मोटर यूज़ कर लो। तो ये था मेरा एक प्रेजेंटेशन BLDC के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, अगर वैसा है तो लाइक कीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, डिसलाइक भी कर सकते हैं, और आप कमेंट लिख ले कि अगले एपिसोड में आप क्या देखना चाहेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, क्योंकि मैं वीडियो हर दिन बनाता हूँ, और आपको, आपने मेरा वीडियो देखा, ये देख के मुझे अच्छा लगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।